राज्य सरकार की ओर से महाराष्ट्र की जनता को कोरोना नियमों की सभी पाबंदियां हटाकर गुड़ी पड़वा का गिफ्ट दिया गया है। बीते 2 सालों से कोरोना नियमों की पाबंदी के जंजाल से आखिरकार नागरिकों को छुटकारा मिला है। इससे राज्य सरकार के गुड न्यूज का सेलिब्रेशन तो बनता है ना भाई, तो यही सेलिब्रेशन रविवार को मध्य नागपुर के गांधी पुतला पर शहर के युवाओं की ओर से किया गया। मौका था MH49 और विजय जैन की ओर से आयोजित स्ट्रीट का। जी हां, मध्य नागपुर इतिहास में ये पहला मौका था ऐसा कोई आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास और शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके उपस्थित थे। स्ट्रीट में जुम्बा डांस, जिम, डीजे डांस और विदर्भ का फेमस संदल डांस का भी आयोजन किया गया था। यहाँ आए सभी युवा इसकी धुन में नाचते नजर आए। इतना ही नहीं, आयोजकों की ओर से युवा रैपर शो भी रखा गया था। इस स्ट्रीट में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी उपस्थित हुई थी। एक्चुअली बस हमारा जो यूथ है ना वो आगे बढ़ना चाहिए। हिमांशु जैसे, अभिषेक जैसे जो लोग है ना, जो चीज बेस्ट नागपुर में होती थी आज वो सेंट्रल नागपुर में हो रही है। और बस मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अगर फिट है नागपुर तो हिट है नागपुर। तो हमारे एनजीओ का नाम नो डिफरेंस फाउंडेशन है। मींस हम लोग कोई लोगों में डिफरेंस नहीं रखते। हमारे ये MH49 का मकसद है कि मोस्ट हैपनिंग 49 यानी जो कोविड एरा था, जो कोरोना काल था जिसमें काफ़ी लोगों ने दुख पाया, 2 साल घर पे रहे, उसके बाद नागपुर को रीयूनाइट कैसे करें, तो उस चीज़ के लिए ये इवेंट किया गया था मोस्ट हैपनिंग 49 स्ट्रीट पर। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है आज एक चांगला इवेंट जो माध्यम अपने नागपुर शहरा युवक पीढ़ी मुल मुली इतने उपस्थित है। सका वेला आनंद इतने पहाय मिलतो है। इतने स्पोर्ट्स लगे हैं, एक्सरसाइज का मैसेज लोकान मिलतो है आणि त्यातूनच एक झुंबा त्यांचा आवडता प्रकार तो देखील इथे होतो आहे। मला वाटतं की ही पिढी अत्यंत चांगल्या कामांसाठी तयार आहे। त्यांच्याकडनं जी अपेक्षा आहे ती पुढे येणाऱ्या दिवसात या NGOच्या माध्यमातून पूर्ण होईल आणि सगळी पिढी चांगली कामात लागेल। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।